हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं सजा क्लासी चैनल को। आज हम बात करेंगे सुपर स्पार्स टैबलेट की। जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है वो क्या होती है, और ये जो टैबलेट होती है वो किस किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, या इस मेडिसिन में क्या क्या मिल पाया जाता है, या फिर कितने शार्ट से मिलकर बनी होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की। जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और फिर देखेंगे ये जो टैबलेट होती है वो कितने प्राइस की पाई जाती है, या मार्केट में ये कितने प्राइस से मिलती है। और साथ ही साथ देखेंगे इसके डोज फॉर्म की, जो टैबलेट होती है वो किस किस डोज फॉर्म में पाई जाती है। और साथ ही साथ देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके वार्निंग्स की, कि हमें खाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे हम उसके ब्रांड नेम की, जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं। अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। भाई जानते हैं सुपर स्पार्स टैबलेट क्या होती है। दोस्तों आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं सुपर स्पार्स टैबलेट की, कि सुपर स्पार्स टैबलेट क्या होती है। ये जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है वो तीन शार्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है ये तीन शार्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है। डाइक्लोफिनेक पाया जाता है, और फिनपेरिनाम पाया जाता है, और पिटोफिनोन पाया जाता है। और जो हमारा डाइक्लोफिनेक पाया जाता है वो कितना एम जी पाया जाता है, इसमें 50 mg पाया जाता है। और जो फिनपेरिनाम होता है वो कितना पाया जाता है, 0.1 mg पाया जाता है। और जो लास्ट पाया जाता है इसमें पिटोफिनोन जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 5 mg पाया जाता है। जो डाइक्लोफिनेक टैबलेट होती है वो क्या होती है, NSAID ग्रुप से होती है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, और क्या करती है, ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है, और दर्द को या फिर सूजन को कम करने का काम भी करती है। और नेक्स्ट जो पाई जाती है इसमें फिनपेरिनाम जो पाई जाती है वो कैसी होती है, एंटी स्पास्मोडिक होती है और एंटी क्लोरोजिक होती है। ये क्या करती है, ये जो पेट में ऐंठन मरोड़ होती है उसको कम करती है। और जो नेक्स्ट पाई जाती है पिटोफिनोन, ये भी क्या होती है, एंटी स्पास्मोडिक होती है, जो क्या करती है, दर्द में दर्द से छुटकारा दिलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूज की, जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला जो यूज किया जाता है इसका, एब्डोमिनल पेन में यूज किया जाता है, यानी इसका जो यूज किया जाता है पेट के दर्द में इसका यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को क्या होता है, डिसेंट्री होती है या फिर पेट में ऐंठन मरोड़ होती है, उसे रोकने के लिए सुपर स्पार्स टैबलेट का यूज किया जाता है। और जो सेकंड जो यूज किया जाता है इसका, किडनी पेन में यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट के क्या होता है, जब पथरी का दर्द उठता है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, सुपर स्पार्स टैबलेट को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दर्द में आराम मिल जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट के क्या होता है, हाथ पैर में क्या जाती है, सूजन आ जाती है, या फिर जॉइंट में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है, हाथ पैरों को चलाना या फिर उठना बैठना क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है, या फिर चल नहीं पाता है, तब सुपर स्पार्स टैबलेट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका, डेंटल पेन में भी यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट के क्या होता है, दांतों में दर्द होता है या फिर सर्जरी जो हो जाती है उसके बाद जो दर्द होता है उसको रोकने के लिए सुपर स्पार्स टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका, हेडेक में भी यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को क्या होता है, सिर में दर्द होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द होता है, उसे रोकने के लिए सुपर स्पार्स टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइस रेट की, जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसके क्या प्राइस रेट पाई जाती है। ये 3 से लेकर 5 तक पर टैबलेट पाई जाती है। जो एक टैबलेट की कीमत होती है वो कितनी पाई जाती है, लगभग 3 से लेकर 5 रुपये तक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसे हाउ टू टेक, यानी इसको कितना लेना चाहिए उसको, और कैसे कैसे ले सकते हैं। दिन में एक बार ही टैबलेट खाई जाती है, और एक टैबलेट खाने के बाद इसमें आराम मिल जाता है। यदि पेशेंट को ज़्यादा समस्या होती है तो इसे 2 बार भी खा सकते हैं, और TDS भी खाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उसके साइड इफेक्ट की, जो सुपर स्पार्स टैबलेट होती है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है, नोजिया पाया जाता है। इसे खाने से क्या हो सकती है, आपको उकाई सी आ सकती है, वोमिटिंग उल्टी सी आ सकती है, या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है। इसे खाने से क्या हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, यानी पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, और ब्लड विजन हो सकता है, यानी धुंधला धुंधला सा भी दिखाई दे सकता है, और ड्राई माउथ रह सकता है, यानी इसे खाने से क्या हो सकता है, मुँह जो रहता है वो सूखा सूखा सा रहता है, और
कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। इसे खाने से क्या हो सकता है, कब्ज भी रह सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, कि हमें खाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देनी चाहिए, और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं या फिर क्या होता है जो ओल्ड एज पर्सन होती हैं उनमें देना ये सेफ होता है, इनसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है या उनमें कोई दिक्कत नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, जो सुपर स्पास टैबलेट होती है उसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है स्पास मैक के नाम से भी ये पाई जाती है, और सेकंड जो पाई जाती है कीटो स्पास टैबलेट के नाम से पाई जाती है, थर्ड जो पाई जाती है सुपर स्पास टैबलेट के नाम से पाई जाती है, नेक्स्ट जो पाई जाती है सुपर टल टैबलेट के नाम से भी पाई जाती है। अगर आपको ये मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।